गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल्स हमारे बच गए थे लास्ट लेक्चर में, आज हम उन्हें पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है। अ बैट्समैन हिट्स एक चमकादार सॉरी अ बैट्समैन मीन्स यहाँ पे हो रहा है एक बैट्समैन है, स्पेलिंग गड़बड़ हो गया यहाँ पर। बैट्समैन है जो कि हिट कर रहा है 0.2 kg की क्रिकेट बॉल को 10 m/s की वेलोसिटी से टू द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स पाथ। उसके डायरेक्शन के अपोजिट पाथ में फाइंड द इम्पल्स ऑन बैट, बैट पे लगने वाले इम्पल्स को पता कीजिए। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू एफ टी। ओके, पुराने फॉर्मूले से हमने सब पढ़े हुए हैं। तो F की जगह में हमने रख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, T की जगह में हमने रख दिया V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से V माइनस यू बाई ए। ओके, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है इस चीज़ का, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्पल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 0.2 और ये तो हो गया 0 और वेलोसिटी हमारी 10, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इसको माइनस 10 ले रहे हैं। तो हमको मिलेगा ये 2 Nm जो कि है नेगेटिव। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए फिर। एक स्पीयर है 800 kg का और 500 m/s की वेलोसिटी से फायर किया जा रहा है किसी तोप से। स्पीयर है, गोला है 800 kg का, जिसको 500 m/s वेलोसिटी के स्पीड से एक कैनन से फायर किया जा रहा है, जिस कैनन का वेट है 50 टन। आपको पहला चीज ये पता लगाना है कि वेलोसिटी ऑफ कैनन टू रिवर्स बैक, कैनन किस स्पीड से रिवर्स बैक होगा, उसका वेलोसिटी आपको पता लगाना है। नेक्स्ट आपको पता लगाना है रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टॉप कैनन विद इन 1 m। तो वो कौन सा फोर्स होगा जो कैनन को 1 m के डिस्टेंस पे ही रोक सकता है। ओके, तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ कैनन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ स्फीयर। 50 टन इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो कैनन का मास कितना हो गया 50 टन, वेलोसिटी नहीं पता है। फिर मोमेंटम ऑफ स्पीयर देखते हैं, तो 800 हो गया मास स्पीयर का और स्पीड हो गई 500 m। यहाँ से हमको वेलोसिटी ऑफ कैनन कितनी मिल गई, वेलोसिटी ऑफ कैनन जब हम यहाँ इन सारी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे ब्रैकेट के इक्वल टू के साइड, तो उसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा 8 m/s। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 1 m। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है यू इज इक्वल टू 8 m/s, फाइनल वेलोसिटी दी गई है वी इक्वल टू 0, क्योंकि कितने देर में रुक जाएगा इस चीज़ की बात हो रही है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए 0। तो हमने फार्मूला लगाया रिटार्डेशन का, जब जहाँ पर वेलोसिटी डाउन हो रही है वहाँ पर हम रिटार्डेशन का केस लगाते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, वी की जगह 0, यू की जगह 8, माइनस 2 इंटू ए इंटू एस की जगह रख दिए 1। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो ए का वैल्यू हमको मिल गया 32 m/s। यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया कैनन का 50 टन है, तो 50 × 1000, 1 टन में कितने केजी होते हैं, 1000 kg होते हैं। ओके, और एक्सेलरेशन है 32, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने तो हमको मिल गया फोर्स 163.3 kN। ओके, और कुछ क्वेश्चन है तो देखते हैं। फ्रॉम इनिशियल पोजिशन अ बॉडी ऑफ 4 kg फॉलिंग फ्रॉम 50 m हाइट इन टू द सैंड, द पेनिट्रेशन इन द सैंड इज 1 m, फाइंड द एवरेज परसेंटेज एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सैंड। तो एक बॉडी है 4 kg का जो 50 m के हाइट से एक सैंड में गिरती है और इसका पेनिट्रेशन जो हो रहा है वो 1 m तक होता है, मतलब 1 m तक अंदर गड्ढा कर देती है ये, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सैंड। तो सपोज वेलोसिटी जो है वो है बी। ओके, एंड फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs का, क्योंकि देखिए v का वैल्यू तो v हो गया, ये हमको फाइंड आउट करना है, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 g का वैल्यू 9.81 और s हमको दिया हुआ क्वेश्चन में जो कि 50 m हाइट से गिर रहा है। तो वेलोसिटी हमको मिल गई 31.3 m/s। When body penetrates the sand in 1 m, it becomes stationary or in rest. अगर body 1 m sand में नीचे आ गई तो ये stationary हो गई, rest में आ गई। Acceleration becomes negative हो गया acceleration. तो v square is equal to u square minus 2as. तो v का value हो गया 0, u का value हो गया 31.3 minus 2 into a का, तो a हो गया, s का value हो गया 1. तो a is equal to हो गया 490 m/s. Initial force f is equal to ma. तो force is equal to हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया 4 इंटू 489.84, हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू रखा तो ये हो गया 1959.4 N। वेट W इज इक्वल टू mg और m का हो गया 4
जी का वैल्यू हो गया 9.81, ये हो गया 39.2। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एफ प्लस डब्ल्यू आपको देखना है, वेट के कारण और इनर्शिया फोर्स के कारण। तो ये वैल्यूज हमने रख दिए 1959.4 प्लस 39.2, तो ये हो गया 1998.6 न्यूटन। नेक्स्ट है एक बॉडी जिसका मास 30 kg है एंड वेलोसिटी 3 m/s है, से अपोजिट डायरेक्शन से 10 m/s की वेलोसिटी से 10 kg की बॉडी से टकराती है। आफ्टर कोलिजन 10 kg की बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में 4 m/s की वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, तो 30 kg बॉडी का वेलोसिटी एंड डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो एक बॉडी है जिसका मास 30 kg है, वेलोसिटी 3 m/s है, ये अपोजिट डायरेक्शन से इसमें 10 m/s की स्पीड से 10 kg की बॉडी टकरा रही है। टक्कर के पश्चात क्या हो रहा है, 10 kg वाली बॉडी जो है अपोजिट डायरेक्शन में 4 m/s की वेलोसिटी से वापस जा रही है, तो 30 kg वाली बॉडी का वेलोसिटी और डायरेक्शन बताइए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया हमने, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो मास 1 हुआ 30 इंटू u1 हुआ 3 प्लस मास 2 हुआ 10, u1 हुआ -10, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है इसलिए इसको माइनस मिली है। फिर यहाँ पर सपोज ये चीजें भी हमने रख दी, 30 इंटू v1 प्लस 10 इंटू -4। तो जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो v1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 m/s, और डायरेक्शन क्या होगा, सेम ऐसा लिया क्योंकि पॉजिटिव आया, जो जैसा पहले चलते आ रहा था वैसे ही चल रहा। एक आखिरी क्वेश्चन है इस यूनिट का, अब उसे देखते हैं। एक 200 ग्राम की क्रिकेट बॉल 5 m/s की वेलोसिटी से बैट्समैन के पास आती है तथा बैट्समैन 15 m/s वेलोसिटी से वापस हिट करता है, तो बैट पर इम्पल्स फोर्स फाइंड आउट कीजिए। यदि कोलिजन का टाइम 1/10 सेकंड हो तो इम्पल्स कैलकुलेट कीजिए। तो मास हो गया यहाँ पर 200 ग्राम, जिसको कि हम के जी में डिनोट करते हैं 0.2 kg। इनिशियल वेट जो है वो वेलोसिटी जो है u इक्वल टू हो 5 m/s, फाइनल वेलोसिटी जो है वो होगा v इक्वल टू -15 m/s। नेगेटिव है ये क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में हिट किया बैट्समैन ने। तो इंपल्स का फॉर्मूला लगाया हमने, m v माइनस यू, m हुआ 0.2, v -15, और u भी जो है वो भी -5 पुट कर दिया हमने, तो फिर क्योंकि माइनस पहले से ही था यहाँ पर, तो ये वैल्यू मिली -4 n/s। तो टाइम जो है वो 1/10 है, तो I1 क्या हो जाएगा, mv u / t, तो 0.2 इंटू -15 -5 डिवाइडेड बाई 0.1, तो I1 हो गया -40 n। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको एक बार पढ़ने की देरी है आपको सब समझ में आ जाएगा, भले थोड़ा टफ लग रहा हो आपको देखने में, पर वो वही वही फार्मूले हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को बार बार आपको अप्लाई करना है। ओके, तो इस तरह से आपका यूनिट नंबर 4 समाप्त होता है, और अब हम रोकते हैं, नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा रह गया है यहाँ पर, और फ्रिक्शन रह गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्रिक्शन ही अब दो यूनिट्स रह गए हैं जिनको हमको पढ़ना है, तो इनको हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आज के क्लासेस में इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।